Welcome to Cocktails India and I am your host Dada Bartender. Friends, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे 5 white rums का नाम जो इंडिया में मिलता है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप मुझे सिर्फ 2 white rum का नाम बता दीजिए तो आप ढूंढते रह जाएंगे। आपके दिमाग में खाली एक ही राम चलता होगा, वो है बकाडी राम। इसके अलावा आप ढूंढेंगे कि कहाँ है white rum, कहाँ है white rum। हालांकि dark rum जो है हम लोग बहुत ब्रांड्स का नाम जानते हैं, बट व्हाइट रम बड़ी मुश्किल से। तो आप सोचिए, अगर आपको नाम ही नहीं पता है तो फिर इंफॉर्मेशन कहां से गैदर करेंगे। चलिए आज इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में मिलने वाले व्हाइट रम, और वो भी 5-5, उसका फ्लेवर प्रोफाइल, उसका टेस्ट, उसका प्राइस एंड बहुत कुछ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 5 बेस्ट व्हाइट रम का इस काउंटडाउन में मैं बहुत सारा चीज को ध्यान में रखा है, जैसे कि इसका जो प्राइस है, इसका जो वैल्यू है, इसका टेस्टिंग नोट्स है, और इसका जो मार्केट करने का तरीका है, और कितना सक्सेसफुल है, ये सब को कंबाइन करके मैंने ये लिस्ट तैयार किया। शायद मेरे चॉइस से आपका चॉइस नहीं भी मिल सकता है, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए कि आपको पसंद नहीं आया या पसंद आया, जो भी हो। चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं, और काउंटडाउन में 5वें नंबर पर जो है वो है ओल्ड मॉन्क व्हाइट रम। चौंक गए क्योंकि ओल्ड मॉन्क का नाम आपने सुना है, बट ओल्ड मॉन्क व्हाइट रम भी होता है। जी हाँ, ओल्ड मॉन्क का व्हाइट रम भी होता है, और सच में एक ग्रेट क्वालिटी व्हाइट रम आपको देता है ये ओल्ड मॉन्क कंपनी। ओल्ड मॉन्क डार्क रम जैसे हमारे दिलों में राज करता है, बट ओल्ड मॉन्क व्हाइट को अभी तक वो जगह नहीं मिली। शायद थोड़ा और वक्त लग सकता है, बट वेरी ऑनेस्टली टू ऑल ऑफ यू दैट दिस रम इज रियली अ ग्रेट व्हाइट रम। ऑफ कोर्स क्रिएटेड बाय मोहन मैकिंस ग्रुप, अ ट्रू मोलासेस स्पिरिट, अल्कोहल परसेंटेज 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एरोमा में आपको मिलता है एक्सप्रेसिव नोट ऑफ कैरमल, ऑरेंज एंड ग्रेपफ्रूट का, एज वेल एज लवली स्वीट स्पाइसेस लाइक पेपर एंड क्लोव्स का। टेस्ट में आपको मिलता है स्लाइटली स्पाइसी एंड स्वीटिश टेस्ट विद अ हिंट ऑफ कोकोनट एंड बिट ऑफ सिट्रसी नोट, हल्का वेनिला नोट का एसेंस भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स सुपरबली सॉफ्ट काइंड ऑफ रम, और आप अगर इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं यानी पीना चाहते हैं तो आप इससे बेहतरीन कॉकटेल बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इसको ऑन द रॉक्स पी सकते हैं, कोला के साथ एक बेस कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऑरेंज के साथ भी आप इसको पी सकते हैं। अगर प्राइस की बात करूं तो आपको खर्चने पड़ेंगे 600 से लेकर 700 रुपीज तक 750 ml बॉटल्स के लिए। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में एक बेहतरीन रम आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 4 पे कौन है। कैप्टन मॉर्गन। जी हाँ, कैप्टन मॉर्गन का भी व्हाइट रम होता है। कैप्टन मॉर्गन व्हाइट रम को क्रिएट किया गया है कैरिबियन फाइनेस्ट रम से, जो एक रिफ्रेशिंग टेस्ट का अनुभव कराता है आपको। कैप्टन मॉर्गन रम का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं स्पाइसेस का नाम जुड़ जाता है, बट स्पाइस्ड रम टिपिकली एज्ड होता है और स्पाइसेस एंड कैरामल कलरिंग्स को ऐड किया जाता है, जो सिग्नेचर स्वीट स्पाइसेस का टेस्ट आपको मिलता है उसके लिए। बट व्हाइट रम यानी कि लाइट रम, स्पेशली कैप्टन मॉर्गन, काफी सॉफ्ट, क्रिस्प एंड क्लीन होता है, विथ लाइट स्पाइस एंड स्वीट नोट के साथ आपको एक यूनिक फ्लेवर डिलीवर भी करता है। दिस फ्लेक्सिबल रम इज परफेक्ट टू क्रिएट अ क्लासिक क्यूबा लिब्रे, जो एक फैंटास्टिक क्लासिक कॉकटेल है, और मिक्स्ड विद सोडा और जिंजर एल कैन बी अ अल्टीमेट ऑप्शन टू एंजॉय दिस डिलीशियस रम। कैप्टन मॉर्गन व्हाइट रम इज एन एक्सटेंशन फॉर द कैप्टन मॉर्गन लाइन, 40% अल्कोहल वॉल्यूम के साथ इस ब्रांड को मार्केट करता है डियाजियो इंडिया। नोज में फेयरली लाइट वनीला, मोलासेस, कोला, लाइट सिट्रस एंड हिंट ऑफ ब्लैक पेपर का नोट्स मिलता है। पैलेट में मच स्वीटर एंड सॉफ्टर, बट विद अ लिटिल लेस स्ट्रक्चर देन बकाडी सुपीरियर, लेस ड्रायर एंड लेस एसिडिक भी है, और सुपीरियर माउथफील के साथ वेरी स्वीट फिनिश। प्राइस का अगर बात करूं तो 1000 से लेकर 1200 तक आपको चुकाना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे है मलेबू रम। यहाँ पर एक बिग क्वेश्चन है, क्योंकि मलेबू को हम लोग जानते हैं कि ये लिक्योर कैटेगरी में है, लिकर नहीं है, मतलब ये स्वीट है। जी हाँ, आप सही पकड़े हैं, ये लिक्योर कैटेगरी में ही है। फिर भी पर्नोडिका जो ये कंपनी को ओन करता है, ये बोलता है कि
ये जो है मतलब मलेबू जो है ये फ्लेवर्ड रम है और इसके पीछे एक वैलिड रीजन भी है। चलिए देखते हैं। मलेबू इज अ कोकोनट फ्लेवर लिक्योर, अल्कोहल परसेंटेज है ओनली 21%। जी हाँ, ओनली 21%। ओन बाय पर्नोडिकर कंपनी जो कहता है कि मलेबू इज अ फ्लेवर्ड रम। हालांकि दिस डेजिग्नेशन फॉर दिस लिकर इज परफेक्टली फाइन, एक्चुअली इट्स अलाउड बाय लोकल लॉज। सो मलेबू राम को आप लिकर भी बोल सकते हो और तो और इसको फ्लेवर्ड रम भी बोल सकते हो। मलेबू राम को बनाया गया है फाइनेस्ट क्यूबन रम से। अगर समर ड्रिंक्स का बात करूं तो मलेबू छोड़कर हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दिस ओरिजिनल कैरिबियन कोकोनट रम बोर्न एंड लिव्स इन अ प्लेस वेयर स्पिरिट ऑफ समर शाइंस ऑल ईयर अराउंड। मलेबू कैन हेल्प यू टू हैव द बेस्ट समर इन योर लाइफ। मलेबू रम हैज अ फुल राउंडेड लाइटली कोकोनट एरोमा एंड अ क्रीमी कोकोनट टेस्ट विद वेनिला कस्टर्ड नोट्स। डेलिकेट बॉडी के साथ वेरी सॉफ्ट रम टेस्ट और काफी सिल्की फिनिश है। और मलेबू का प्राइस जो है 1600 से लेकर 1800 रुपये के अंदर अंदर में है। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये लिक्योर कैटेगरी में है, मतलब ये थोड़ा स्वीट है, 21% अल्कोहलिक परसेंटेज है, तो ये आप नीट पी सकते हैं, बहुत मस्त लगता है क्योंकि इसमें काफी सारा कोकोनट का फ्लेवर है। और आपको आप इसको कॉकटेल बना सकते हैं, जैसे कि मलेबू से बेस्ट पिना कोलाडा कॉकटेल बनता है जो हम लोगों को सब मालूम है कि एक क्लासिक कॉकटेल है। साथ साथ आप इसको कोक के साथ भी ले सकते हो और तो और आप ऑन द रॉक्स भी ले सकते हो और सिंपली एक क्यूब आइस के साथ भी आप पी सकते हो, जिसको बोलते हैं रिफ्रेशिंग चिल। तो आप काफी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं मलेबू के साथ। चलिए अभी मूव करते हैं और देखते हैं कि नंबर 2 पर कौन है। हवाना क्लब, ये रम का नाम शायद आपने नहीं सुना। जी हाँ, ये भी एक व्हाइट रम है। हवाना क्लब व्हाइट रम 100% मेड एंड एज्ड इन क्यूबा। मोहितो एंड डाइक्रिस के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट रम आई बिलीव, क्योंकि ये रम कॉकटेल में जो फ्रेशनेस, जो कैरेक्टर डाल सकता है, शायद दूसरे रम में मिलता ही नहीं है। शुगर केन, मोलासेस, वाटर एंड ईस्ट को मिलाकर फर्मेंट करने के लिए कुछ दिन तक रखा जाता है। फर्मेंटेशन हो जाने के बाद व्हिच इज देन डिस्टिल्ड इन कलम स्टील प्रोड्यूसिंग एग्वार डिंटेरे। ब्लेंडिंग एंड एजिंग करने से पहले और एक बार डिस्टिल किया जाता है स्पिरिट को, जिसको बोला जाता है मदर। आप अगर बॉटल को नोटिस करेंगे तो वहां पर रॉन फ्रेश को बोलकर एक वर्ड को मेंशन किया गया है। इसका मतलब है मदर स्पिरिट को फ्रेश शुगर कैन डिस्टिलेट से फिर ब्लेंड करना और फाइनली उसको एज किया जाता है। यूजुअली व्हाइट रम अनएज्ड होता है, बट हवाना क्लब ऑलवेज एज्ड होता है। नोज में आपको मिलता है सिट्रसी जेस्ट, टॉफी एंड आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड फ्रूट कैंडी। पैलेट में काफी इथेनॉल जैसा फील देता है। माउथफुल इज वेरी थिनर, आर्टिफिशियल फ्रूट फ्लेवर लाइक बनाना और ग्रेप्स काफी मात्रा में आपका माउथ में मिलता है और फिनिश काफी स्मूथ है। हवाना क्लब व्हाइट रम के लिए आपको खर्चने पड़ेंगे 1600 से लेकर 1800 रुपया तक। ये जो रम है हवाना क्लब, फिलहाल इंडिया में बन नहीं रहा, ये कंप्लीटली इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको लग सकता है। चलिए मूव करते हैं नंबर 1 पर और आप लोग सब गेस कर चुके हैं कि कौन है नंबर 1 में। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, बकार्डी रम। देखिए अगर मैं क्वालिटी का बात करूँ, शायद बकार्डी रम नंबर 1 पोजीशन से डिजर्व नहीं करता है, बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग स्पिरिट इन द वर्ल्ड। जी हाँ, और राम यानी व्हाइट रम हम लोग सिर्फ बकार्डी को ही सोचते हैं, इसका कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बकार्डी रम इतना फेमस है। इस डिलीशियस व्हाइट रम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1862 में डॉन फुकोंडो बकार्डी मैसो द्वारा। बकार्डी रम का यूनिक ब्लेंडिंग कॉम्बिनेशन वर्ल्ड का हाईएस्ट सेलिंग स्पिरिट का दर्जा भी दे चुका है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ हेवी बॉडीड एंड ड्रायर लाइट बॉडीड रम्स एज सेपरेटली इन लाइटली चार्ड एक्स बर्बन ओक कास्क फॉर 12 to 24 months और उसके बाद चारकोल फिल्टर करके ब्लेंड किया जाता है यंग रम के साथ और उसके बाद आपको मिलता है क्रिस्प क्लीन अमेजिंग टेस्टिंग व्हाइट रम। एरोमा इज बिट स्ट्रॉन्ग ओवरपावरिंग विद अ हिंट ऑफ वनीला एंड आलमंड नोट्स। टेस्ट में आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग मोलासेस स्पिरिट विद क्लीन एंड ड्राई टेक्सचर, वनीला, कैरमल एंड ब्लैक पेपर स्पाइसेस।
वेरी क्विक फिनिश के साथ आपको देता है स्पिरिट टेस्ट का एहसास। मजबूर है बकाडी का ऐसा ही टेस्ट है। अगर आप कॉकटेल बनाना चाहते हैं तो दिस इज द अल्टीमेट ड्रिंक आई बिलीव, क्योंकि इससे बहुत बेस्ट कॉकटेल बनता है। मोस्टली जो क्लासिक कॉकटेल बनते हैं ये बकाडी से बनते हैं, जैसे कि मोहितो, डाइकिरी, पिना कोलाडा, क्यूबा लिब्रे, लॉट्स ऑफ कॉकटेल आप बना सकते हैं जो अल्टीमेट बनता है बकाडी से। और इसके अलावा आप कोक के साथ या ऑन द रॉक्स भी पी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जहां पर मैंने आपको बोला कि 5 रम्स जो इंडिया में अवेलेबल है। होपफुली ये काउंटडाउन आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, एक नए मॉकटेल, एक नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। टाटा।